हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज एट रैंडम। अगर आज आपका फास्ट है या फिर सोच रहे हैं टी टाइम स्नैक में आज क्या बनाया जाए, तो बनाइए ये हेल्दी स्नैक साबुदाना वड़ा। वड़े को हम डीप फ्राई भी करेंगे, साथ में बताऊंगी आपको कि इसे कम ऑयल में आप कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 कप साबुदाना। इसे हम 6 से 8 आवर्स तक पानी में सोक करके रखेंगे। पानी इतना होना चाहिए कि साबुदाना पूरा डूब जाए और 1 इंच पानी ऊपर तक रहना चाहिए। 6 से 8 आवर्स के बाद आप देखेंगे साबुदाना इस तरह से पूरी तरह फूल चुका है, बिल्कुल पानी नीचे नहीं बचा हुआ है। अगर आपको लगे नीचे थोड़ा सा भी पानी है तो इस तरह से इसे छन्नी में डाल करके आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए, जो थोड़ा बहुत पानी होगा वो भी निकल जाएगा। लेकिन जितना पानी मैंने आपको बताया है अगर उसी के अकॉर्डिंग पानी रखेंगे तो इस तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये देखिए साबुदाना बिल्कुल फूला हुआ। साथ में ले लिए है मैंने 2 बॉइल्ड आलू, ये रोस्टेड पीनट्स, इसे हम कोर्सली ग्राइंड कर लेंगे, हरा धनिया, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, जीरा, लेमन जूस, सॉल्ट, कुकिंग ऑयल। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हैं तो इसकी जगह सेंधा नमक का यूज करें। और ले लिया है एक बड़ा सा मिक्सिंग बोल, इसमें डाल दीजिए एक एक करके सारी चीजें। मैंने डाल दिए हैं उबले आलू, ये मूंगफली को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया है, जीरा, हरा धनिया, लेमन जूस, हरी मिर्च और अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो हरी मिर्च चॉप करके भी इसमें ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। और अब हम सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हाथों से अच्छे से मिक्स करें, जिस तरह से आप आटा गूंथते हैं उस तरह से इसको पंच करते हुए अच्छे से आपको मिक्स करना है। सॉल्ट, सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे तभी बहुत अच्छी वड़ों में बाइंडिंग आएगी। इसे आप बच्चों के लिए टिफिन के लिए बना सकते हैं। साबुदाने को आप रात को भिगोकर रख दीजिए और सुबह बड़े आराम से बहुत अच्छा फूल जाता है और उस समय बना लीजिए। मैंने लगा लिया है हाथ पे थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर का पोर्शन लेकर के इसे हम टिक्की का शेप देंगे। हाफ मिक्सचर के मैं बनाऊंगी इस तरह के वड़े और हाफ मिक्सचर के मैं बनाऊंगी छोटे छोटे बॉल्स। इसे बनाना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये रेसिपी रेडी हो जाती है और खाने में सुपर टेस्टी लगती है। और ये देखिए मैं नींबू के साइज के बॉल्स बना ले रही हूं। बस इस तरह से हम सारे वड़े और ये बॉल्स रेडी करके रख लेंगे। तो चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। ऑयल गरम हो चुका है। वड़ों को डीप फ्राई करने के लिए ऑयल का अच्छा गरम होना बहुत जरूरी है। अगर ऑयल कम गरम होगा तो वड़े उसमें फैल सकते हैं, इसलिए ऑयल अच्छा गरम होना चाहिए। और बस टर्न करते हुए गोल्डन ब्राउन हमें इन्हें फ्राई कर लेना है। और ये देखिए बहुत ही अच्छा कलर आ गया है। डाल रही हूँ इन वड़ों को मैं टिश्यू पेपर पे, जिससे एक्सेस ऑयल निकल जाए। और ये देखिए साबुदाना वड़ा बनकर बिल्कुल रेडी है। सर्व कीजिए इसे अपनी मनपसंद चटनी के साथ। अगर आप डीप फ्राइड नहीं खाना चाहते हैं तो बनाइए इन वड़ों को अप्पे पैन में। अप्पे पैन में डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा सा ऑयल। ऑयल के गर्म होते ही जो हमने साबुदाना मिक्सचर के बॉल्स बनाकर रखे थे एक एक करके उन्हें इस अप्पे पैन में रख दीजिए और कवर करके इसे कुक करेंगे 5 से 7 मिनट तक। पांच मिनट बाद आप इसे खोल करके चेक करेंगे तो देखेंगे नीचे से इसका कलर चेंज हो चुका है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। स्पून की हेल्प से सभी को टर्न कर देंगे
और बस फिर से कुक कर लेंगे इसे कवर करके 5 मिनट के लिए, जब तक नीचे से भी ऐसा ही कलर ना आ जाए। और हमारे ये साबूदाने के अप्पे बनकर बिल्कुल रेडी हैं। और अगर आपके पास अप्पे पैन नहीं है तो आप ले लीजिए एक नॉन स्टिक पैन, थोड़ा सा ऑयल डालकर जिस तरह से आप टिक्की को फ्राई करते हैं उसी तरीके से आप इसे फ्राई कर सकते हैं। तीन से चार मिनट के बाद देखेंगे आप नीचे से इसमें बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। इसे फ्लिप कर लीजिए और फ्लिप करते हुए दोनों तरफ से इस तरह के गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लीजिए और इस तरह से आपकी टिक्कियां रेडी हो जाएंगी। तो बनकर तैयार है साबूदाना स्नैक्स तीनों तरीके से। अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इन्हें बनाइए, खाइए और खिलाइए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स को। और ये देखिए बहुत ही प्यारा कलर आ गया है, ये बनकर बिल्कुल रेडी है। अगर आपको मेरी रेसिपी इजी और हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी बहुत सारी मजेदार रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल बटन को क्लिक करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।